इस विशेष प्रस्तुति में राम सेतु एक स्थान का नाम है, एक पुल का नाम है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार भी है और हमारी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यह भगवान राम द्वारा बनाया गया था, लेकिन सरकार के इरादे इसको तोड़ने के हैं। सरकार का यह मानना है कि इसको तोड़कर वो शायद देश का कुछ आर्थिक लाभ जनरेट कर सके, प्राप्त कर सके। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है और अब भी लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में हैं और हम उनसे जानेंगे आज और ये समझेंगे कि उनकी लड़ाई कब से शुरू हुई, इस लड़ाई के मूल में कौन सी प्रेरणा है और वो कितने विश्वस्त हैं कि इस लड़ाई को वो कामयाबी से उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो राम सेतु पर जो विवाद शुरू हुआ है उस पर बात करने के लिए और इसकी रक्षा का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात करने के लिए सबसे पहले इनका परिचय आपको करवा दें। इनका परिचय बहुत बड़ा है डॉक्टर स्वामी, बहुत स्वागत आपका। प्राध्यापक भी हैं, विद्वान भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और विचारक भी हैं। सर, ये राम सेतु का जो पूरा मामला है, देश ये जानना चाहता है कि आप इसके पक्ष में क्यों खड़े हुए, आपके मन में, आपके हृदय में कहाँ से ये प्रेरणा आई? वास्तव में मैं तो उसमें इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था जी, लेकिन उस समय मैं 2007 की बात कर रहा हूँ जी, जब माननीय सुदर्शन जी सरसंघचालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी जी, और बहुत वरिष्ठ साधु सन्यासी दयानंद सरस्वती जो तमिलनाडु के हैं जी जी, और अशोक सिंगल, इन तीनों ने अलग अलग से मुझे कहा था कि इसको लेना चाहिए क्योंकि सरकार का नियत खराब है, इसको तोड़ देंगे जी। और मैंने शुरू में कहा था कि ये तो धार्मिक विषय है और इसको कोई साधु संत वकील को रख के पिटिशनर बननी चाहिए जी। तो फिर उन्होंने बताया कि ये हुआ था सारे चार शंकराचार्यों ने और अनेक मठाधीशों ने एक पिटीशन तय में दस्तखत की थी और उसको कोर्ट में पेश हुआ था जी, सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिजेक्ट हो गया जी। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ परंतु निंदा भी की गई कि ऐसे धार्मिक विषयों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। तब बात थोड़ी दिन रुक गई, फिर एक दिन सुदर्शन जी ने फ़ोन किया मुझे कि एक हफ्ते के अंदर वो RDX लगा के तोड़ने वाले हैं जी। तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊंगा, ये पिटीशन पहले से डाला हुआ, डिसमिस हुआ है तो कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग सब बड़े हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे जी, और ये हमारे आस्था पर बड़ी चोट होगी। तो तब मैंने सोचा कि रामचंद्र जी इस सेतु को बचाने चाहते हैं जी, तो मुझे कोई रास्ता वो दिखा बना के दे देंगे जी जी। तो मैंने जाकर बस आंख बंद करके मैंने पिटीशन डाली और कोर्ट में पेश हुआ और मैंने सवाल उठाई कि भाई ऐसा परियोजना है। मैंने कहा कि ये परियोजना ना ये मनमानी से हुई है, सारे पहलुओं को सोचा नहीं गया, परिवहन का भी विषय है इसमें और ये आर्थिक का जो इन्होंने गणित लगाई है ये सब बेकार है, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ ये सब कम्प्लीट झूठा बनावटी आर्थिक लाभ दिखा रहे हैं, ये पिटीशन डाली है तो, लेकिन ये तोड़ देंगे तो फिर मेरा पिटीशन का मतलब ही नहीं रहेगा, इसका आधार हट जाएगा, फिर उसको आप डिसमिस करो या कर दोगे तो मुझे मेरा सुनवाई भी नहीं होगी जी। तब जस्टिस अग्रवाल थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया जी जी। तो एक बार वो रोक लग गई तो फिर तो मामला फिर उभरा जी कोर्ट में। मैंने कोर्ट में धार्मिक पहलुओं पर कम जोर दिया था जी, किया था मैंने, परंतु मैंने एक अर्थशास्त्री के रूप में कहा कि जब आप कोई परियोजना स्वीकार करते हैं या मानते हैं या अपनाते हैं
उसके विकल्प को पहले छांटते हैं, उस विकल्प में से ये सबसे अच्छा कौन है उसको चुनते हैं। इनमें ये शिपिंग मिनिस्ट्री ने बिल्कुल किया ही नहीं जी। उन्होंने सीधा इसको तोड़ने में इसी रूट से राम सेतु को तोड़ के हम नहर निकालेंगे जी। ये फैसला किया जी। मैंने विकल्प को देखा है जी। और विकल्प के तो इससे सस्ता बनती है जी। तो ये तो हमारी सरकारी खर्चे में, हमारे टैक्स पेयर्स के खर्चे में हो रही है जी। इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए क्योंकि इससे सस्ते रास्ते मिलते हैं जी। तो मैंने कहा कि आखिर में उद्देश्य क्या है जी। कि आपको जहाज जो आते हैं पश्चिम से या पूर्व से, उन सबको श्रीलंका घूम के जाना होता है जी। जी। और यदि हम वो कहते हैं कि हम एक नहर बना देंगे कैनाल जी, तो फिर जहाज सीधा जा सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और कई घंटे बच जाएंगे और कई खर्चे बचाएंगे और पेट्रोल वेट्रोल की भी लागत कम हो जाएगी, ये सब उन्होंने परियोजना में कहा था जी। तो मैंने कहा ठीक है, आपको तो सामान भेजनी है मान लीजिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु चेन्नई तक जी। अब आपको घूम के जाना होता है जी। हाँ, तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। कन्याकुमारी के पास टूटीकोरिन एक जगह है, वहाँ बंदरगाह है जी। उसको कंटेनर पोर्ट बना दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जी। और वहाँ से एक रेलवे लाइन निकालिए तट के किनारे से जी। जो तमिलनाडु जाएगी, मद्रास जाएगी और मद्रास से विशाखापट्टनम जाएगी, वहाँ से कलकत्ता जाएगी, और उसका खर्चा मैंने फिर कैलकुलेट करके दिया जी। और कहा कि वो 1/10 बनता है जी। अच्छा, इसमें और भी खर्चे हैं जो छिपे हुए हैं जो उन्होंने गणित में नहीं लिया। कनाल बनने के बाद वो समुंदर रेक डालते रहेगी जी। हर हफ्ते इसको इस रेक जो नया रेक पड़ती है कनाल में जी। उसको उठाना पड़ेगा, उसको एक्सकवेट बालू को निकालना पड़ेगा जी। तो इसमें हर साल आपको 1,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा खर्च होगी, वो आपने दिखाया नहीं अकाउंट में। इस तरीके से मैंने शुरू की। फिर मैंने कहा कि ऐसे परियोजना करने में आपको परिवार यानी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट यानी रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपने इंटरिम रिपोर्ट में प्रोजेक्ट ही ले ली, उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, तो ये एक अवैध है। दूसरा है कि आपने कोस्ट गार्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी, आपने लिया नहीं। तीसरा, तमिलनाडु सरकार उस समय भी ये जयललिता थी मुख्यमंत्री, उससे नहीं ली थी। और फिर दूसरा है कि ये जो राम सेतु को काट के जाने वाली है वो बिल्कुल जो श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जो समुद्र में जो सीमा है उसको मीडियल लाइन कहते हैं, यानी जो रास्ता है उसके बीच में, उसके बहुत निकट है और अंतर्राष्ट्रीय माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सी है जी। जो आजकल वो इटालियन जिक्र करते हैं जी, जी, जी। मरीज के इंटरनेशनल वाटर्स, हाँ वो नहीं, इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी, ओके, उसमें इंटरनेशनल वाटर्स की परिभाषा है जी। परंतु परियोजना आप कोई करोगे अपने समुन्द्र में जी। और वो पड़ोसी देश की सीमा के यानी जो सीमा है जो पड़ोसी देश और आपके बीच में होती है उसका 25 किलोमीटर से निकट है जी। तो फिर आप उस देश की भी परमिशन मांगनी चाहिए जी। और ये जो परियोजना थी ये तो 5 किलोमीटर दूर में थी जी। सीमा से जी। तो मैंने श्रीलंका सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आपका परमिशन लिया, तो उन्होंने कहा परमिशन भी नहीं लिया, हमने विरोध भी किया लिखित में, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये भी मैंने कोर्ट में पेश किया। तो मैंने कहा एक तो ये अवैध है और आखिर में मैंने कहा कि हमारे इस क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 295 है कि कोई भी आस्था का स्थान है या किताब है पुस्तक है कोई भी आस्था का कोई भी विषय हो उसको आप कोई चोट पहुंचाएंगे तो आपको 7 साल की दंड मिलेगी, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैंने कहा कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा क्योंकि ये आस्था का है। मैंने सारे शंकराचार्यों से चिट्ठी ले ली थी, एफिडेविट, और आरएसएस और विश्व परिषद ने 35 लाख दस्तखत भी ले ली लोगों से। मैंने कहा ये तो आस्था का है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, और इसीलिए इस पर आप कोई चोट पहुंचाएंगे तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है इंडियन पिनल कोड में जी।
तो चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि क्या हमारे ऊपर केस डाल दोगे? मैंने कहा अभी तक तो नहीं डालूंगा क्योंकि आपने ये इसको अनुमति नहीं दी है, आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं, यदि आपका निर्णय होगा कि हाँ ये परियोजना वैध है और इसको राम सेतु को तोड़ा जा सकता है तो फिर तो मैं आपके ऊपर केस जरूर डालूंगा। तो कोर्ट में तो सब हंसे। आपने मुख्य न्यायाधीश को ये बात कहा था कि मैं आप करेंगे तो मैं आपके ऊपर ही केस डालूंगा क्योंकि आपने जानबूझकर ये जानते हुए आपने इस अपराध की जी। तो और अनेक सवाल पूछे, किसी ने पूछा कि वो समुन्द्र के बीच में है, कौन जाकर वहां उसको पूजा करेगा? मैंने कहा रोज सुबह मैं सूर्य को पूजा करता हूँ, कोई मैं सूर्य जाकर आता हूँ? तो ये तो आस्था दूर से भी होती है जी। और तो फिर सवाल आया कि ये प्राकृतिक बनी है या ये किसी ने बनाया जैसे इसमें रामायण में लिखी है जी। तो मैंने कहा कि बद्री नारायण एक थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सरकारी है, उसने जाकर वहाँ देखा और देखा कि वहाँ ऐसे वो पत्थर नहीं कहा जाता उसको, उसको दूसरे नाम देते हैं क्योंकि ये मछलियों की हड्डी और ये शंख ये सब धीरे धीरे मिलते मिलते एक पत्थर जैसे बन जाती है जी। उसको कॉरल कहते हैं जी, कॉरल। और उसका विशेषता है कि अब पानी में छोड़ोगे तो तैरेगी, तैरेगा। अब मैंने फिर रामायण से पढ़कर सुनाया हाँ। कि हनुमान ने वो पत्थर लाए हाँ। और उन्होंने रखा तो तैरने लगी जी, जी, फिर जी, उन्होंने श्री राम लिखी जी, तब वो जमा स्थिर हो गए, स्थिर हो गया जी, जमा जी। तो फिर मैंने कहा कि जब रामचंद्र जी गए धनुषकोडी में और समुद्र राजा की पूजा की, उसने इस बात नहीं सुनी जी, 3 दिन की पूजा का लापरवाही की, तब उनको क्रोध आया। मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। करेक्ट, बाण उन्होंने उठा लिया तुलसीदास में जी। तो वाल्मीकि में वो यही कहते हैं कि क्रोध में आए, इसको तो विनय समझ में नहीं आती इस राम समुद्र राजा को, फिर मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने वो अग्नि बाण निकाली, तब वो समुद्र राजा ऊपर आया, कहा कि नहीं नहीं सारे प्राणी सब मर जाएंगे हाँ। इसका मत करिए, आपको चाहिए तो पानी के नीचे से एक पहाड़ जैसा, इसको रिज कहते हैं, रिज अंग्रेजी में रिज है, उसके ऊपर आप तट से लाकर पत्थर रखेंगे तो आपका सेतु बन जाएगा। तो मैंने कहा बद्री नारायण ने और उनके सारे जियोलॉजिकल सर्वे के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले की थी, उन्होंने ये कहा है कि एक समुन्द्र, वो जो समुन्द्र के तराई है उसमें से एक रिज निकलती है और उस रिज के ऊपर ये कॉरल रखी गई है और कॉरल समुन्द्र के बीच में कभी पैदा नहीं होती है, ये सब तट के किनारे पैदा होती है, इसीलिए ये लाया गया है और इसीलिए इसको बनाया गया। किसने बनाया हम नहीं कह सकते, परंतु 10,000 साल से कम नहीं जी। और हमारे जो जो ग्रह हैं जो पुराण में दिया गया उसके अनुसार रामचंद्र जी का समय लगभग 10,000 साल पहले जी। मैं मेरे पास कुछ ये अलग अलग लोगों के मत है, कुछ तो 17 लाख वर्ष पुराना भी बताते हैं। नहीं वो क्या है कि वो जो उसका त्रेता युग का हिसाब जो है जी जी जी। अब देखिए जो ग्रह घूमते हैं जी, वो एक जब एक पैटर्न में होते हैं एक जगह में जी, जैसे ज्योतिष कहते हैं इस ग्रह में है, इस ग्रह में है, इस घर में है जी, वो बार बार आती है परंतु कभी 10,000 साल के बाद, जैसे 20,000 साल के बाद ऐसे जी। तो जो रामचंद्र जी की अयोध्या से यानी लंका पहुंचने की समय की बात है, वो एक कैलकुलेशन 10,000 साल कहता है जी। दूसरा कहता है कि ऐसे हर 10,000 साल में ग्रह इस पैटर्न में आते हैं जी। तो ये 10,000 साल भी हो सकता है, 20,000 साल भी हो सकता है, 30,000 साल भी हो सकता है। मैं इसीलिए मैंने कहा कम से कम ये 10,000 साल है पुराना है। सर ये जो ये सरकार का तर्क है इसको आपने सिरे से खारिज भी किया कि अगर आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक बना दें तो उससे 1/10 खर्च आएगा और उसी वो फिर जहाज आएंगे और वो कंटेनर को उतारेंगे, वो वहाँ से रेलवे लाइन बंदरगाह से शुरू होगी और वहाँ से चल जाएगी, तो बड़ा इफिशियंट है। अमेरिका में ऐसा होता है जी। तो जापान में ये रवैया क्यों है आखिर, तो आपको क्या इसके पीछे सोच क्या लगती है? इसका एक और मैं पहलू बताता हूँ,
ये जो इन्होंने नीरी एक नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका रिपोर्ट मंगवाई, उन्होंने कहा कि नहर बनाओगे तो 11 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गहराई, नहीं तो वो सारा वॉल्केनिक मामला ऊपर आ जाएगा जी। तो कनाल का जो गहराई होगी वो 11 मीटर जी। अच्छा 11 मीटर में कौन से जहाज जा सकते हैं जी, जी। जो जहाज 30,000 जी जो हजार जो जहाज 30,000 टन से कम वजन की है जी जी, यानी सामान ले जा करके उसकी वजन है वही जा सकती है जी जी। लेकिन आज तो 95% जहाज जो व्यापार यानी माल ले जाते हैं वो सब 1,00,000 टन से है ज्यादा है जी। 95% सिर्फ 5% 30,000 से कम है जी। तो ये सारा ट्रैफिक तो 95% नहर बनने के बाद भी घूम के जाना पड़ेगा जी, जी। जी। तो सिर्फ ये 5% के लिए ये कौन है? उसमें मैंने देखा कि बालू का बेटा का एक कंपनी है जी। जिसके जहाज सब 30,000 से कम है तो उसका लाभ होगा जी। हाँ तो अब आपका सवाल क्या था? ये हाँ, सरकार इस बात को इस तरह से डिनाई क्यों कर रही है जब उसे पता है कि इतने लोगों की आस्था? मैं समझता हूँ कि ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था जब सरकार के तरफ से उन्होंने कहा है कि ये इन लोगों का विरोध धार्मिक है जी। हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है जी। तो पहले मैंने जमा को विस्फोट किया, मैंने फिर कहा कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं राम में मेरा आस्था है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास है इसीलिए कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपका भी धार्मिक कारण से ये परियोजना बना रहे हैं जी। सोनिया गांधी क्रिश्चियन है जी। और ये करुणानिधि तो उसको नफरत है लॉर्ड राम से, रोज उसको गाली देता है जी। कहता है कि राम सेतु का नाम कैसे आ गया, ये अंग्रेजों ने इसको एडम्स ब्रिज कहा था हाँ, क्या राम कोई इंजीनियरिंग डिग्री पाई थी इस प्रकार मजाक। यानी मैंने कहा कि मैंने एक बयान निकाल के दिया कि करुणानिधि ने मुस्लिम समुदाय को वोट मांगते समय कहा कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़ी ना, मैं राम सेतु तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो ये कहीं ना कहीं ये पीछे है। और ये सोनिया गांधी का जो क्रिश्चियन कि हिंदू के जो भी आस्था के विषय हैं उसको उसको नष्ट करो ताकि एक हीन भावना हिंदुओं में पैदा हो कि हम नपुंसक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन सर इस योजना को ग्रीन सिग्नल तो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 2003 में दिया था। वो तो बीजेपी से पूछना चाहिए, बात तो सही है जी। कि उन क्योंकि जब 1999 में उस समय मुझे पता है कि ये बात आई थी तो हम लोगों ने विरोध किया था, फिर वो ठंडा हो गया। फिर इन्होंने बनाई एनडीए सरकार नई बनी आफ्टर इलेक्शन, उसमें वो डीएमके वाले आ गए। डीएमके वालों को खुश करने के लिए रामचंद्र जी का सेतु को तोड़ने के लिए फैसला किया होगा। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ने भी जो है आस्था के साथ रिकॉर्ड में तो साफ है कि ये प्रोजेक्ट को देखिए, ये प्रोजेक्ट 1857 से सोचा गया है और 23 बार परियोजना बनाई गई और 23 बार रद्द हुई जी। ये 24 बार जो एनडीए ने क्लियर की जी। ये तो एनडीए सरकार ने माने बीजेपी, क्योंकि मंत्री सब बीजेपी वाले थे जी, जी। अरुण जेटली और पहले अरुण जेटली थे, फिर उसके बाद वेद प्रकाश गोयल थे जी। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, फिर वो कैबिनेट में गया जी। उसमें वाजपेयी थे, यशवंत सिन्हा थे, ये सब थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बाद में मुझे जरूर कहा कि मुझे ये सारी जो आपने तथ्य बताई है मुझे पता होता तो मैं नहीं मानता, मैं तो उस समय करुणानिधि की बात पर आ गया था जी। तो अब जॉर्ज फर्नांडिस तो आ सकते हैं, परंतु जो राम मंदिर बनाने के लिए हम बोलते हैं जी, उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। ये बड़ी घोर विडंबना है सर, देश की जनता को अगर ये तथ्य पता चलेगा कि राम मंदिर का नाम लेकर मुझे क्यों, मैं तो इतना कहूंगा जरूर कि जो रिकॉर्ड्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, उससे क्लियर है कि ये परियोजना बनी थी
जब एनडीए की सरकार थी जी जी और क्यों, ये वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, मुझे तो बिल्कुल समझ में आती नहीं है। चलिए, लेकिन आप एक बात स्पष्ट है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत के भीतर इस बात का प्रखर विरोध किया है, अभी भी वहां पर मुकदमा चल रहा है, फिर से सुनवाई है। अभी वर्तमान में कैसे सरकार ने आर के पचौरी की रिपोर्ट को किनारे किया, जो कि एक पर्यावरण वैज्ञानी है, और किस तरह से नए तर्क प्रस्तुत किए हैं, इस पर भी हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात करेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।